हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। ये जो क्वेश्चन है ये एरर एंड मेजरमेंट चैप्टर से रिलेटेड है, जिसमें हम लोग वर्नियर कैलिपर्स के बारे में पढ़ते हैं, है ना। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है द लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल ऑफ ए वर्नियर कैलिपर्स इज 1 मिलीमीटर। इट्स वर्नियर स्केल इज डिवाइडेड इन टू 10 डिविजन्स एंड कॉन्साइड्स विथ 9 डिविजन्स ऑफ द मेन स्केल। तो एक्चुअली में ये वर्नियर कैलिपर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है। अगर आपने पढ़ा होगा, हमारा जो वीडियो लेके उसको देखा होगा, तो इतनी चीजें पहले से आपको पता होगी। ठीक, अब आते हैं जो एक्चुअल क्वेश्चन जो शुरू होता है वहां पे, है ना। तो क्वेश्चन में कहा गया व्हेन जॉज आर टचिंग ईच अदर द सेवेंथ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कॉइंसाइड्स विद अ डिवीजन ऑफ मेन स्केल एंड द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज लाइंग राइट साइड ऑफ जीरो ऑफ द मेन स्केल। ठीक है, तो आप देखेंगे ये जो अभी मैंने पढ़ा सेंटेंस, इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है। ठीक है, तो इस डायग्राम में देखेंगे कि यहाँ पर दो जॉज हैं, एक ये है जो कि मेन स्केल वाला है और ये वाला वर्नियर स्केल वाला है। ठीक है, तो ये जीरो के जस्ट आगे, जब इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं रखा है ना, हमें पता है कि वर्नियर कैलिपर्स का यूज क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट का साइज मेजर करने के लिए। तो इसमें कोई जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो दोनों के जॉज जो है वो टच करेंगे। ठीक है, देखेंगे दूसरा फिगर में यहाँ पर बीच में एक ऑब्जेक्ट रख दिया है, गोल ये दिख रहा है। पहले फिगर में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो दोनों के जॉज जो है वो टच कर रहे हैं, है ना। तो जीरो से थोड़ा सा ये आगे है। जीरो से थोड़ा सा आगे होने का मतलब है जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखा है उसके बावजूद भी कुछ रीडिंग आ रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं जीरो रीडिंग और जीरो एरर, है ना। तो ये जीरो जो एरर है इसको कैसे मेजर करेंगे, इसको हम लोग मेजर करते हैं कि जो वर्नियर स्केल की रीडिंग है, वर्नियर स्केल की रीडिंग जो है दिखाया गया है 7, है ना। कहा गया वर्नियर स्केल का, ये वर्नियर स्केल है, ये मेन स्केल है। वर्नियर स्केल का जो 7th वाला है, देखेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, है ना। ये 7th वाला जो है वो मेन स्केल के किसी लाइन से मैच कर रहा है ना। तो जीरो एरर कैसे लिखेंगे, जो वर्नियर स्केल की रीडिंग है वो है 7 और जो लिस्ट काउंट होता है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। लिस्ट काउंट कितना होता है वर्नियर स्केल का, 1 मिलीमीटर, जैसे कि यहां पर दिया गया है ना। ये 1 मिलीमीटर तो खैर मेन स्केल का दिया गया है, तो इसका हो जाएगा 0.01। जो वर्नियर स्केल का जो लिस्ट काउंट है वो हो जाएगा 0.01, तो ये हो जाएगा 0.07 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये हो गया जीरो एरर, यानी जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखा है तब इतना रीडिंग बताएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट रख देंगे तो उस ऑब्जेक्ट के जो साइज है उस साइज में ये वाली रीडिंग जुड़ जाएगी, हमेशा इतना ज्यादा रीडिंग बताएगा। कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट रखेंगे उसके साइज से हमेशा इतना रीडिंग ज्यादा बताएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि अब एक्चुअल में जब जो ज्यादा बताएगा वो वाली वैल्यू कितनी आती है, वो इसमें बताया गया है। क्वेश्चन में कहा गया व्हेन दिस वर्नियर इज यूज टू मेजर लेंथ ऑफ अ सिलेंडर द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल बिटवीन 3.1 सेंटीमीटर एंड 3.2 सेंटीमीटर। देखेंगे ये वर्नियर स्केल है, इसका जो जीरो है, ये जीरो वाली, इसकी जीरो वाली लाइन ये है ना, वो कहाँ पर है, ये मेन स्केल का 3 है ना, ये होगा 3.1 और ये होगा 3.2। 3.1 और 3.2 के बीच में वर्नियर स्केल का जीरो वाला लाइन है। ठीक है, ऐसा यहाँ कहा गया। इसका मतलब ये है कि ये जो सिलेंडर है इसका जो साइज होगा वो साइज होगा 3.1 और 3.2 के बीच में, लेकिन कितना होगा वो हमें बताना है। ठीक है, तो 3.1 3.2 सेंटीमीटर के बीच में है। और आगे कहा गया फोर्थ वर्नियर स्केल डिवीजन कॉइंसाइड्स विथ अ मेन स्केल डिवीजन। वर्नियर स्केल ये है, इसका फोर्थ वाला जो लाइन है वो मेन स्केल के किसी लाइन से मैच कर रहा है।
है ना। तो इस बार अगर हमें रीडिंग बताना होगा तो कैसे बताएंगे? जो रीडिंग होता है या जो साइज होता है, हम लोग उसको इस तरह से लिखते हैं। पहले तो लिखते हैं मेन स्केल रीडिंग, है ना। इसको लिख सकते हैं मेन स्केल रीडिंग, MSD, प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, VSD, इनटू लिस्ट काउंट। ये होता है। अब ये तो है ही, साथ में चूंकि एक जीरो एरर भी है, तो जीरो एरर को हमें माइनस भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो रीडिंग आएगा वो ज्यादा आएगा, है ना। हम लोग इसमें से माइनस करेंगे जीरो एरर को, ठीक है। तो मेन स्केल रीडिंग जो है इसमें कितना है, 3.1 और 3.2 के बीच में है, यानी कि मेन स्केल की रीडिंग 3.1 कहेंगे। वर्नियर स्केल की रीडिंग इसमें 4 बताया गया है ना। ये हो गया 4 इंटू लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट इसका होता है 0.01 सेंटीमीटर, माइनस जीरो एरर आया है 0.07, है ना। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि अब इसको कैलकुलेट करके देखते हैं वैल्यू कितना आ रहा है ना। तो ये वैल्यू देखते हैं, ये हो गया 3.1 प्लस 0.04 माइनस 0.07, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा 3.14 माइनस 0.07, यानी 3.07, है ना। तो एक्चुअल जो रीडिंग है या जो सिलेंडर का लेंथ है वो इतना होना चाहिए, 3.07 सेंटीमीटर। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। यहाँ पर देखेंगे जो ऑप्शन 3 है वो एग्जैक्टली मैच कर रहा है, तो जो आंसर है वो इसका थर्ड ऑप्शन हो गया।